एक छोटी सी स्पीच भाषण लेकर आ रही है माहिरा। माहिरा बेटा प्लीज कम ऑन द स्टेज। जरूरी नहीं जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से होती है। यहाँ चिराग का मतलब लड़के की बात नहीं है, समझ लेना। रोशनी चिरागों से होती है, घरों में उजाला लड़कियां भी करती हैं। तो इतनी प्यारे से नाटक से एक संदेश दिया गया हमें और हमारे समाज को कि लड़कियों की एजुकेशन को आज भी ऐसे तराजू में तोला जाता है जहाँ लड़कियों के सपनों को कुचल दिया जाता है। अच्छा एक बात और भी है, हम लोग क्या करते हैं लड़कियों की एजुकेशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं घर के ही लोग। लेकिन जरा खुद से सोचिए, जब हम अपनी माँ और बहन का इलाज कराने जाते हैं तो सबसे पहले लेडीज डॉक्टर को खोजते हैं। तो जब हम पढ़ाएंगे नहीं अपनी बेटियों को, आगे पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे अपनी बेटियों को, तो वो लेडीज डॉक्टर, वो लेडीज इंजीनियर, वो लेडीज आईएएस ऑफिसर, वो लेडीज आईपीएस ऑफिसर कहाँ से बनेंगी और कैसे हमारी सेवा करेंगी। और मेरा एक चैलेंज भी है और मेरा एक खुद का मानना भी है कि अगर लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, पूरी फ्रीडम दे दी जाए, तो देखना लड़के उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये मेरा खुला चैलेंज है क्योंकि आज भी कोई भी रिजल्ट उठाकर आप देख लीजिए, लड़कियां घर का काम भी करती है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करती है और फिर भी टॉप करती है। और लड़के घर का काम भी नहीं करते, केवल पढ़ाई करते हैं, फिर भी कोई रैंक नहीं लाते। आप चाहे इंजीनियरिंग का रिजल्ट उठा के देखिए, चाहे मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट उठा के देखिए, चाहे एक आईएएस ऑफिसर की बात करके देख लीजिए, सिविल सर्विसेज की बात करके देख लीजिए, हर जगह लड़कियां आ रही हैं। तो अगर लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता लड़कों की तरह दी जाए तो लड़के उनके सामने कुछ भी नहीं। उसके अलावा प्रोग्राम को आगे सपोर्ट करते हैं कि नाना पाटेकर साहब, एक बार सब लोग साइलेंट हो जाइए, सुनिए काफी मजा आएगा आपको। तो नाना पाटेकर साहब और राजकुमार साहब एक बार ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तो नाना पाटेकर साहब नीचे बैठे होते हैं और राजकुमार साहब ऊपर लेटे हुए होते हैं। अचानक से नाना पाटेकर जी को लगता है कि आगे जाकर ट्रेन ब्लास्ट होने वाली है, इसमें बॉम्ब है, तो वो परेशान हो जाते हैं और तुरंत ट्रेन की चैन को खींचते हैं ट्रेन को रोकने के लिए। तो एक बार ट्रेन को खींचते हैं तो एक जोर से टपकी पड़ती है उनके, दोबारा फिर से जब वो दोबारा खींचते हैं चैन को तो एक फिर से टपकी पड़ती है उनके, फिर दोबारा खींचते हैं तो फिर से जोरदार थप्पड़ पड़ता है। अब नाना पाटेकर साहब थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं तो किस अंदाज में बोलते हैं, मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा लगेगा तो तालियां बजाएंगे। अच्छा ए कोने कोने ऊपर से बार बार टक्की मारे जा रहे हैं, नीचे आगे बात कर, नीचे आके ए कोने कोने, यहाँ छोटा बेटा होता है, यहाँ छोटा बेटा, बार बार ऊपर से टक्की मारे जा रहे हैं, नीचे आगे बात कर, नीचे आके बात कर। उसके बाद राजकुमार साहब नीचे आते हैं और आते ही बोलते हैं, हम जानी हम बहुत के सौदागर हैं, हमारे 14 घर, हम दिल के बहुत अच्छे हैं और हमारे 12 बच्चे, हमारे घर बीवी हैं, हमारी 12 बीवी, और जानी जो तुम चैन समझ के बार बार खींच रहे थे वो चैन नहीं, हमारे पैजामे का नारा था। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो एक बात बोलना चाहिए मेरे लिए भी बजा करिए और ऐसे काफी एंजॉय करेंगे हम लोग।
बने रहिए हमारे साथ और कभी मजा आएगा। तो सभी लोग अलीसा की टीम का स्वागत कीजिए जो डांस।